नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, केएल राहुल ने नहीं दिया डेब्यू का मौका, अब चार गेंदों में चार विकेट झटक कर मचा दी है इस गेंदबाज ने सनसनी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में कर्नाटक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 20 ओवर में 176 रन बनाए। ये स्कोर और भी बड़ा हो सकता था, लेकिन अंतिम ओवर में विदर्भ के तेज गेंदबाज ने कहर बरपाती गेंदबाजी करके उसे रोक दिया। विदर्भ के तेज गेंदबाज दर्शन नालकंडे ने सेमीफाइनल मैच में हैट्रिक झटकी। उन्होंने चार गेंदों पर चार विकेट हासिल किए। दर्शन नालकंडे ने अंतिम ओवर में अनिरुद्ध जोशी, बी आर शरद को आउट किया और उसके बाद नालकंडे ने जगदीश सुचित का विकेट लेकर अपनी हैट्रिक पूरी। यही नहीं, नालकंडे ने चौथी गेंद पर अभिनव मनोहर का भी विकेट चटकाया। दर्शन नालकंडे ने आखिरी ओवर में महज एक रन दिया और उन्होंने चार बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। बता दें, दर्शन नालकंडे दाएं हाथ की तेज गेंदबाज हैं और आईपीएल 2021 में उन्हें किंग्स इलेवन पंजाब ने अपनी टीम में शामिल किया था। नालकंडे सिर्फ गेंदबाजी ही नहीं करते बल्कि वो गजब की बल्लेबाजी भी करते हैं। हालांकि विदर्भ की ओर से उन्हें बल्लेबाजी का ज्यादा मौका नहीं मिलता है। किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान केएल राहुल ने भी दर्शन नालकंडे को आईपीएल 2021 में डेब्यू का मौका नहीं दिया, लेकिन अब इस गेंदबाज ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया है। बता दें, नालकंडे ने इस सीजन में 8 मैचों में 13 विकेट हासिल भी किए। दर्शन नालकंडे का इकोनॉमी रेट महज 5.88 रन प्रति ओवर है। नालकंडे ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ही अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ महज 9 रन देकर 5 विकेट चटकाए थे, जो कि T20 में उनका बेस्ट प्रदर्शन भी है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में कर्नाटक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 20 ओवर में 176 रन बनाए। ये स्कोर और भी बड़ा हो सकता था, लेकिन अंतिम ओवर में विदर्भ के तेज गेंदबाज ने कहर बरपाती गेंदबाजी कर उसे रोक दिया। विदर्भ के तेज गेंदबाज दर्शन नालकंडे ने सेमीफाइनल मैच में हैट्रिक झटकी। उन्होंने चार गेंदों पर चार विकेट हासिल किए। दर्शन नालकंडे ने अंतिम ओवर में अनिरुद्ध जोशी, बी आर शरद को आउट किया और बाद में नालकंडे ने जगदीश सुचित का विकेट लेकर अपनी हैट्रिक पूरी कर ली। तो ये बात तो साफ है कि केएल राहुल को अब पछतावा हो रहा होगा इस तेज महान गेंदबाज को मौका ना देकर, और केएल राहुल की ये सबसे बड़ी गलती भी साबित हो गई है। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।